दहीहांडी में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी विधायक राम कदम के खिलाफ कल भी हंगामा, एमएनएस का प्रदर्शन। मुंबई के पास भिवंडी में ऑर्केस्ट्रा बार पर पुलिस ने छापेमारी कर बार मालिक के साथ 23 बार बालाओं को हिरासत में लिया। बाद में मामला दर्ज कर 1200 के बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। पुलिस की मिलीभगत से बार चलाए जाने का आरोप। मुंबई के पॉश इलाके खार में दिन दहाड़े कुरियर डिलीवरी के नाम पर फ्लैट में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की गई। आधे घंटे में 62 लाख रुपए के जेवर और कैश लूट कर फरार हुए। हैदराबाद से मुंबई आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन से 71 लाख रुपए बरामद किए गए, जो कैश थे। पुलिस को ये कैश हवाला मार्केट से भेजे जाने का शक। दिल्ली में रनहोला इलाके में एक दिव्यांग बुजुर्ग महिला का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ मिला। जांच में जुटी है पुलिस। नोएडा के सेक्टर 59 की एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डकैती के दौरान पूरे परिवार को बंधक बनाकर महिला से गैंगरेप की खबर है। हथियारबंद बदमाशों ने चाकू की नोक पर 1 लाख रुपए भी लूट लिए। तो वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महीने से लापता लड़की को अब तक नहीं ढूंढ पाने पर परिवार वालों ने कविनगर थाने में जमकर हंगामा किया। रिटायर्ड आईपीएस के घर में काम करती थी युवती। कोलकाता पुल हादसे की प्राथमिक जांच में मेट्रो के निर्माण कार्य को बताया गया जिम्मेदार। ममता ने कहा, किसी को नहीं बख्शेंगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टेलीविजन अभिनेत्री पायल चक्रवर्ती का शव होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। कुछ दिनों पहले ही पति से अलग हुई थी पायल। कोलकाता से सटे हावड़ा में झोला छाप डॉक्टर रोहित मलिक गिरफ्तार। 8वीं पास रोहित मलिक 6 महीने से डेंटिस्ट बनकर चला रहा था अपनी दुकान। इलाज करने के तरीके पर शक होने पर लोगों ने उसे पकड़वाया। चेन्नई में गुटखा मामलों में छापेमारी पर कुछ भी बोलने से अभिनेता से नेता बने रजनीकांत ने इनकार कर दिया। कहा, नो कमेंट्स। आपको बता दें कि गुटखा घोटाले में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री और डीजीपी के घर सहित चेन्नई में 40 जगहों पर सीबीआई के छापे पड़े थे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।